अभी मैं बनाने जा रहा हूँ चिकन कोरमा। ओके लुक एट दिस। अभी मैंने कोरमे के लिए ऑयल के अंदर सिर्फ ये लहसुन, थोम, गार्लिक को डाला। ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होता है ना, फिर उसके बाद गेम शुरू होगी बाकी चीज़ों की। ठीक है, तो ये देखें, बड़ी मेहनत से मैंने प्याज, हरी मिर्चें, टमाटर काट के रखे हुए। ठीक है, तो मेरे प्यारे नाजरीन ये देखें। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा प्याज, यानी ये समझें ये एक, ये थोड़ा सा ये पकड़ के इसके अंदर डाल दूँगा। बस इससे ज़्यादा नहीं डालना, बस इतना। आपको बताता हूँ बाकी का क्या करना है, बताता हूँ, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, ये देखें मेरा चिकन आ चुका है। ये देखें, ये तो हम इंसानों की गलतियाँ देखें। ये चिकन हम दोस्तों ने मिलके खाना है ना, तो ये देखें मैंने ना, ये देखें अपने लिए बड़ा पीस बना दिया। ये देखें, ओ माय गॉड, लुक कर दे। और बाकी सब के लिए ना छोटे छोटे, ये अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। ठीक है, ये देखें पूरा 1 kg चिकन है जो के इसके अंदर चला गया। ठीक है, ओ माय गॉड, लुक कर दे। अभी मैं इसके अंदर ना 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी डालूँगा। ओके, लेकिन अभी नहीं, 10 मिनट इसको फ्राई कर लो। ओके, मुर्गी बेचारी मेरी बहुत, ये देखें गोल्डन ब्राउन हो गई है ना मुर्गी। ये कंडीशन मैं देखना चाह रहा था, कैसे बेचारी इतनी हॉट गर्मी में गोल्डन ब्राउन हो गई है, जैसे मेरी पाकिस्तान की आवाम महंगाई में पिस रही है ना, ऐसे मुर्गी बेचारी ये पिस रही है। मेरे पाकिस्तान की प्यारी आवाम महंगाई की दलदल में फंस चुकी है बुरी तरह, अल्लाह ताला उनको निकाले। तो अभी मैं इसमें थोड़े से स्पाइसेस ऐड करूँगा। ओके, स्पाइसेस बिल्कुल सादे हैं, ये मिक्स मसाला है, ये गरम मसाला है, ये रेड चिल्ली और टर्मिक, कोई लंबे चौड़े डब्बे कुछ ना डालें, ये 2-3 चीज़ें डालें। शुद्ध खाएं, शुद्ध पिएं और एक्टिव रहें। ये देखें लुकिंग, लुक एट दिस, देखें कलर क्या प्यारा रेड कलर है। ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि आप चिकन के अंदर अपने फ्लेवर एंटर करने हैं। जब हम इतने टमाटर प्याज सब डाल देंगे तो चिकन के अंदर फ्लेवर नहीं एंटर होता। तो अब थोड़े सा प्याज और लहसुन और नमक मिर्च, इससे चिकन के अंदर फ्लेवर एंटर हो चुका है। अब इस फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, तो लीजिए जनाब, पाकिस्तान में 180 रुपये किलो है दही। तो इधर देखे मैं दही की बर्बादी फेर रहा हूँ, इधर देखे मैंने इतना दही इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, ये देखे, ओ माय गॉड, लुक एट दिस। ये कोरमा, ऐसा कोरमा आपको कहीं नहीं मिलेगा। शायद आप मेरी बातों पे इत्तफाक ना करें, लेकिन यकीन करें अच्छा बन रहा है। मान ले मेरी बात, मैं गरीब आदमी, मान ले। अच्छा, मैं आपको दही का बता रहा था, मेरे मुल्क में पाकिस्तान में 180 रुपये किलो दही है, और जिस मुल्क में मैं रह रहा हूँ अरब में इधर 750 रुपये का किलो दही है। ठीक है, तो किस मुल्क में महंगाई हुई मेरे प्यारे दोस्तों? पाकिस्तान में। घबराना नहीं आपने, नंबर एक घबराना नहीं। ये देखें मेरी कमाल, देखें ये अभी मैं प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, ये सब कुछ डाल दिया। आपने पहली पोजीशन सारी देख ली, और ये भी देख ले, ओ माय गॉड, लुक कलर, एवरीथिंग इज़ ओके। प्लीज़ इसको कढ़ाई मत समझना, ये सारी शक्ल इसकी कढ़ाई वाली है, लेकिन कढ़ाई नहीं है। ये मैं कोरमा ही बना रहा हूँ, इसमें हल्का सा मैं मसाला रखूँगा, क्योंकि हमने थोड़े से चावल खाने हैं और थोड़ी सी साथ चपाती खानी है। ठीक है, तो जब अब मैं थोड़ी सी आपसे अलविदा मांगता हूँ, 10 मिनट के बाद मिलता हूँ। अभी इस ये जो प्याज जो भी डाला है, ये जब फुल पक जाएगा, इसकी अच्छी शक्ल नज़र आएगी, तो मैं आपको दिखा दूँगा। ओके, दिस इज़ अ फाइनल टच। ओके खलास, ये देखें इसकी लुक। ठीक है, कोरमा मेरा बिल्कुल रेडी हो गया।
ये देखिए इसकी लुक बेहतरीन है। खाने में भी मैंने चेक किया है, यकीनन बहुत अच्छा है, मज़ा आएगा खाने का। लुक एट दिस, ओह माय गॉड, लुक एट दिस, दिस इज़ अ कोरमा, ओके चिकन कोरमा, ओह माय गॉड, अरे दिस इज़ अ अरेबियन स्टाइल, ओके